नमस्कार दोस्तों, मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में विंडोज़ की जबरदस्त ट्रिक आई है, वो है लेटेस्ट अपडेट में। जिसने अभी तक विंडोज़ की लेटेस्ट अपडेट 9003 को अपडेट नहीं किया, फटाफट से अपडेट कर लो। बहुत सारे नए फीचर्स उसमें आए, धीरे धीरे उसको हम वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे बड़ा फीचर्स में ये आया है मेरी नज़र में, जो अभी तक कस्टमाइजेशन के माध्यम से देखा है मैंने, कि आप अपने कर्सर को, जो भी आपका पॉइंटर होता है, जो आपका माउस का पॉइंटर होता है, आप उसको अपने हिसाब से जो भी कलर चाहते हो किसी भी कलर में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे करना है सीधे आपको लैपटॉप पर ले चलता हूँ। और जो लोग चैनल में पहली बार आए, आप लोगों का दिल खुलकर स्वागत करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि मैं आपके लिए आईफोन की, विंडोज़ की, साथ ही साथ एंड्रॉइड की जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। सीधे आपको लैपटॉप पर ले चलता हूं, फिर आपको बताता हूं ये आपको जो तरीका है, ये ट्रिक है, वो कैसे अप्लाई करनी है। सो दोस्तों लैपटॉप पर आ चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको कर्सर कैसे चेंज करना। देखो अभी आप जो कर्सर देख रहे हो, मेरा कर्सर कुछ पीले कलर का कर रखा है मैं, ठीक है। तो आप इसको पीला कर सकते हो, नीला कर सकते हो, आप जिस चाहो वैसे इस कलर को कर सकते हो। अब कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपका जो विंडोज़ का जो वर्ज़न है वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। विंडोज़ आपकी लेटेस्ट वाली जो अभी वर्ज़न चल रहा है 1903 यानी 1903, वो आप अपडेट कर लेना। और अपडेट तो आप जानते ही हो, आपको चेक फॉर अपडेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना लिख देना अपडेट, ठीक है, चेक फॉर अपडेट। तो यहाँ पर जो है आपकी ये अपडेट वर्जन होना चाहिए, लेटेस्ट वाला होना चाहिए यहाँ पर वर्जन। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कि अभी मेरे कौन सा वर्जन है, तो आप यहाँ पर देख लेना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स जाने के बाद सिस्टम में जाना है। और सिस्टम पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अबाउट। तो अबाउट में आने के बाद यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो अब एडिशन जो होता है आपका विंडोज 10 जो भी हो, आपका प्रो हो, कैसा भी हो, वर्ज़न यहाँ पर 1903 होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, अगर 1903 से नीचे 80 19 जो भी है, 80 90 है या 1890 कुछ भी सही, तो शायद उसमें ये कम नहीं करेगा, लेकिन 1903 आपका ये निश्चित मान लो आपके में होना चाहिए। ये आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कर्सर कैसे चेंज करना है। देखो दोस्तों कर्सर चेंज तो कर ही दूंगा, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है टेकी मोहित, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट करने को है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, कि मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो डालता रहता हूँ, लैपटॉप की, मोबाइल की, सेटिंग्स की, ट्रिक्स की, बहुत मस्त मस्त वीडियोज़ हैं। आप अगर चाहो तो एक बार ज़रूर चैनल चेक करना, आपको दिल खुश हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं है, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करना है आपको, प्लीज़ कर देना। यहाँ पर सब्सक्राइब करना, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो, मोबाइल पे करना हो तो सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन आपको क्लिक करना, ये निश्चित है। उसके बाद ऑल पर क्लिक कर देना, अगर ये नहीं क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सिर्फ नंबर बढ़ जाता है और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, बेल आइकन आपको यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना होगा। ये तो होगी अपने मतलब की बात। अब बात करते हैं आपके मतलब की बात। दोस्तों आपके मतलब बात ये, आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई दे जाएगा दोस्तों, डिवाइसेस नाम का। डिवाइसेस पे ब्लूटूथ प्रिंटर एंड माउस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में चूज कर लेना माउस, क्योंकि माउस की सेटिंग है, बहुत चेंज करेंगे तो माउस भी जो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको माउस सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा दोस्तों, एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। ये तभी मिलेगा जब आपने लेटेस्ट वाली विंडोज़ अपडेट कर रखी होगी, तो वरना ये मत कहना कि मेरे में नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको, आप सोच नहीं पाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम करते हैं, देखो नॉर्मल आपका यहाँ पर क्लिक रहेगा ये वाला, ठीक है। तो नॉर्मल आपका ऐसा पॉइंटर रहता है सफ़ेद सा, ठीक है, मेरा सफ़ेद सा नहीं रहा। आप क्या करना है, आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है, ये रैंडम कलर बने हुए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसमें से कोई भी कलर हैं, रेड है आपका, नीला है, किसी भी टाइप का जो भी कलर आप चाहो उसको कलर। अगर जिनसे मन नहीं भर रहा है कि मुझे नहीं भैया मुझे तो अलग से चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो नीचे ऑप्शन एक और दिया गया है, पिक ए कस्टम पॉइंटर कलर, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो कलर चाहिए या आपकी जो भी इच्छा हो वो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, वो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। और इसके माध्यम से जो मन में चाहे वो वहाँ से कलर चूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी माउस की सेटिंग्स है, मोटा करना है, पतला करना है, माउस की सेटिंग है, एडिशनल वाली तो आप जानते ही, वो वाली नॉर्मल होती है वो आप कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ ये थी, आप पॉइंटर साइजर और जो भी है हर चीज़ यहाँ से कर सकते हो। आप चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको बिल्कुल जीरो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा छोटा पसंद करता है या जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन चीज़ आपको वही बताई थी, आपको बस सेटिंग्स में आना है, उसके बाद आपको डिवाइसेज में आना है, फिर आपको यहाँ पर सीधा जो है आपको माउस सेटिंग्स से आपको चूज कर लेनी है। माउस सेटिंग करने के बाद नॉर्मली आप जो है एडजस्ट यहाँ पर माउस एंड कर्सर साइज में जाना, और आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कोई सेविंग का ऑप्शन नहीं है, बस आपको यहाँ से क्रॉस कर देना और आपका डाटा जो काम है वो यहाँ से हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको करने में तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको एंड्रॉइड में आईफोन में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कैसी भी प्रकार की तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी सारी कमेंट्स होगी मैं रीड जरूर करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना सबके रिप्लाई देना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो रिप्लाई का कभी टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी जो भी कमेंट्स होगी मैं हमेशा पढ़ता हूँ, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको फटाफट से मिल देना है। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक मोहित का नमस्कार।